11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में हिंदू धर्म को मानव धर्म कहा था और स्वामी जी का ये एक वक्तव्य हिंदू धर्म के विशाल हृदय की, उसके अंदर निहित मानव प्रेम की, करुणा की पुरजोर गवाही देता है। संत तुलसीदास मानस में लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये है हिंदू धर्म की सरलतम परिभाषा, वन लाइन डेफिनेशन। और आसानी से समझना चाहें तो गीतकार शैलेंद्र ने एक फिल्मी गीत में धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। किसी के मुस्कराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कराएंगे, जीना इसी का नाम है। ये विचार, सबके दुख में रोने और सबके सुख में हंसने का ये सुंदरतम सिद्धांत दुनिया को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी देन है। जिस दिन हम पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, हिंदू धर्म से विमुख हो जाते हैं, मानव धर्म भी हमारे हाथ से छूट जाता है। हम मानव बने रहें, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जोर देकर कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।